तो गाइस आप सभी लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि सौरभ जोशी ब्लॉग्स यानी कि अपने जो सौरभ भाई है उनके घर में चोरी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि सौरभ जोशी के घर में से चोर ने क्या क्या चुराया है और चोर कैसा दिखता है? नहीं पता होगा ना तो यार मैं बताऊंगा ना आपका भाई। यार चिंता किस बात की कर रहे हो, तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपको ऐसी ही सौरभ जोशी से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो अपने सौरभ भाई की सोसाइटी की दीवार हाथियों ने कुछ टाइम पहले तोड़ दी थी, तो चोर ने इसी बात का फायदा उठाया और चोर वहाँ से सौरभ भाई के घर में चला गया और उनके कैमरे के तार भी काट दिए। लेकिन चोर ने एक गलती कर दी थी कि उसने सौरभ जोशी के सामने वाले घर का कैमरा चेक नहीं करा और उस कैमरे में चोर नजर आ गया। और अब ये बताया जा रहा है कि चोर कुछ लंबा सा था और चोर ने घर से निकलते वक्त एक बैग हाथ में ले रखा था। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चोर जरूर सौरभ जोशी की वीडियो देखता होगा और उसको जब भी पता लगा होगा कि उनके घर में इस वक्त कोई भी नहीं है और उन्होंने चोरी करने की सोची, तो हो सकता है उस चोर ने सौरभ जोशी के घर में से महंगी महंगी चीजें चुराई हो, जैसे कि सौरभ भाई के महंगे महंगे कैमरे, उनके आईफोन, उनके टेबलेट भी चुराए हो सकते हैं। और सबसे मेन चीज हो सकता है कि चोर ने सोचा कि सौरभ जोशी के घर में उनका मेन चैनल का पासवर्ड मिल जावे, क्योंकि हो सकता है कि सौरभ जोशी ने पीयूष के कंप्यूटर में जिसमें वो गेम खेलता है उसमें उनका चैनल लॉगिन कर रखा हो, और अगर उस कंप्यूटर का पासवर्ड खुला रहता तो वो सौरभ भाई के चैनल और पीयूष के चैनल के साथ कुछ भी कर सकता था। तो हो सकता है सौरभ भाई ने चोरी वाले दिन का वो लॉग भी बनाया है, तो वो तो अपन को पता चल ही आएगा कि चोर ने उनके घर में से क्या क्या चुराया है। और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपको सौरभ जोशी से रिलेटेड ऐसी और भी खबर देता रहूंगा।